पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कि बीएसजी और ज़ाल्टा को एक्स गवर्नमेंट के एजेंट्स ने कैद कर लिया है इन्फिनिटी प्रिज्म में, जहां से निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि 1.5 लाख अफेक्शंस, 50,000 इंपीरियल्स और दो दोनों लॉर्ड्स तैयार हो। कमल है। कुछ पूजा मैंने। किसके लिए? ज़ाबोंग के बेटे, उस ज़ाल्टा और उसके साथ उस गधे के लिए। वो तो एक अफेक्शन को भी नहीं मार सकते। तो फिर किसका डर? डर, फियर, खौफ, सी हो डिवियन का। ओ, अभी मैं चलता हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना, जल्द लौटूंगा। क्या सोच रहे हो कि फ्लूट कैसे आई? दरअसल मैंने एक असैसिन से बड़े प्यार से मांगी थी, पर फिर उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा और मेरे ही मुंह में ठूस दी। बेरन जा चुका। तो अब हम भी चलते हैं, एक हफ्ता हो गया इधर, अब वक्त है जाने का। या ओके, तो बाहर कैसे निकले? एनी आइडिया ब्रो? ये पूरी जगह एक माया से बनी है, से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस बिल्डिंग के बीच में एक जायंट सा गेट है जिसे तोड़ा जा सकता है। उसे तोड़ना तो दूर, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। वेरी टफ सिक्योरिटी ब्रो। या बट आई हैव अ सीक्रेट पावर। तो चल ब्रो, हो जा शुरू। डैम, अबे क्या हो गया? ये पट्टी नहीं खुल रही। जल्दी 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 कर, टाइम नहीं है। ये सीन नहीं खुल रही। असल में सच तो ये है कि तू बस दो गाड़ी का हैरो ब्राइन है, बस तू। सही कहा था बेरन ने, मैं बस एक दो गाड़ी का हैरो ब्राइन हूँ। ओए, पट्टी तेरे आंखों पे नहीं, तेरे मन पर बंधी है। नीचा तो दिखाएंगे सब, बार बार तुझको घिराएंगे सब, तुझे जलाएंगे सब, पर ये तेरे हाथ में है कि तुझे जलकर सोना बनना है या खाक हो जाना। जस्ट टू डाई। इंद्र, गॉड ऑफ थंडर, बधाई हो दूल्हे राजा, आपकी बारात आई है। या दुल्हन तो मिल ना रही, तू शादी पहली करा वो है ना दुल्हन। वैसे ये लड़की बुरी नहीं है, पर क्या है ना, असैसिन है, पता चला शादी को मेरा ही कत्ल कर दिया। वाओ, कमाल है, तुम लोग झोंक अच्छा मार लेते हो और हम तुमको। तो चलो फिर। कम ऑन। रुक, साले साइड कैरेक्टर अपने पंजामे में रटी गए ना, साइड कैरेक्टर होके मेन कैरेक्टर को कैसे मारा तूने? ऐसे हम साइड कैरेक्टर्स तुम्हारी मार खाने के लिए पैदा नहीं हुए। ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज से तू मेन कैरेक्टर और मैं विलन। या तो अब अगला कौन? ओए थाम्बा थाम्बा, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। तो मैं क्या करूं? गधा कहिएगा।
ओए ओए, तुमने पूरा तो सुना ही नहीं। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, मैं सीधा घसंड मारता हूँ गुत्ते में। ओए ओए, अबे ओए साल्टा, नहीं। ओह माय गॉड, व्हाट अ रोमांटिक स्टोरी। पर अफसोस, तेरी दुल्हन का तो दी एंड हो गया। होगा ही जब तेरे जैसा जल्लाद कहानी में। वैसे हमारे जेल के बाहर बस 3 सोल्जर ही क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं, पर उन्हें क्या पता हम उनका क्या क्या उखाड़ सकते हैं। ओहो हो, ये तो भाई तूने बचाई है, सब कुछ हवा में उड़ रहा है। हाँ, और हम भी इन्हीं के साथ ऊपर जाएंगे। हेलो हेलो, ये कौन कुत्ता भौंक रहा है बे? आवाज उधर से आ रही है। क्या बे? हे, ये सब तुमने किया है? या तो वो तुमने काफी कूल प्लान बनाया होगा, राइट? प्लान मुंडी घुमा ले, नहीं तो तोड़ दूंगा। प्लान तो बस इतना है, मारो और भागो। क्या तुम पागल हो? 1.5 लाख असैसिंस, 50,000 इंपीरियल्स एंड टेरिफाइंग लॉर्ड्स से पंगे लोगे तुम? तो क्या हुआ, हम नहीं डरते किसी से। गधे, ये बहादुरी नहीं आत्महत्या है। BSG सही कह रहा है वो। तो क्या करे फिर? मुझे आजाद करो, मेरा नाम विजय है और मैं एक हैकर हूँ। तो तू क्या करेगा? ये पूरा प्रिजन एक भूल भुलैया है, यहाँ पर टोटल 9 बेस है और हम अभी सेंट्रल हॉल के अंदर है। वैसे इस जगह में इतना क्या खास है, आमी सी तो है। दूर से नहीं, गौर से देखो, ये पूरी जगह एक आइसबर्ग के जैसी है। ऊपर से आम सी प्रिजन और नीचे से पूरी डायमेंशन ब्लडी आइसबर्ग। तो तू क्या करेगा? मैं कंट्रोल रूम में जाकर सबको भटका दूंगा, जिससे तुम्हें 2 लाख सोल्जर से नहीं लड़ना पड़ेगा। ये तो ठीक है, पर तू क्या चाहता है हमसे? आजाद होना मेरी इच्छा है, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। लोग गई भैंस पानी में। कितने होंगे? 600 असैसिंस। हाँ, इतने सारे ग्लास। ओए, तुम ऊपर जाओ। क्या? अबे ये वो ब्रेनलेस डीमंस नहीं है जिन्हें तू अकेले ही पेल देगा, ये असैसिंस हैं, कच्चा चबा जाएंगे। हाँ हाँ, पर मेरे पास है एक और सीक्रेट पावर। एक और सीक्रेट? बहुत सही। सोल्जर्स, बी रेडी फॉर द बैटल। वाओ असैसिंस, तुम्हें दिखाऊं एंशिएंट हेरोब्राइन का। सिग्नेचर मूव। क्या? ग्लास? ग्लास नहीं, ये है तुम सबकी मौत। सर, इट्स अ सरप्राइज अटैक, हमें थोड़ा समय चाहिए। कब तक बचेगा साले, तुझे तो मैं ही मारूंगा। फिर कभी। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, ओपन द टर्फ बॉक्स। बट बॉस, उसके अंदर तो बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स है। जस्ट डू इट। ओहो, आज तो कहर ठा दिया साल्टा ने। खैर, इस वॉल के पार है कंट्रोल रूम, तो जा फिर। BSG, अबे उतर दे। साल्टा, अब ये क्या बवाल है? साइड हो जा बेंडर, हेरोब्राइन को तो मैं ही मारूंगा।
वो मेरा शिकार है। बोला ना मैं मारेंगा। मैं बोला ना मैं। तेरी तो बहुत इज्जत है साल्टा। समझ नहीं आ रहा है कि गर्व करूं या अफसोस। अरे मैं ओए गधो लड़ो मत। ये लो इनमें से एक उंगली चुनो। एक में है हेरोब्राइन और एक में है कथा। What a serious game। बड़ी वाली तू नहीं तू जीता। बट तेरी मौत के बाद तो मैं ही लड़ूंगा। Bones bullet। आशा करते हैं क्योंकि मरने के बाद जलाने वाला भी तो चाहिए। अपना नहीं पर दोस्त है। दोस्त से याद आया बैरी सुमा हल्के कब्जे में। बॉस इन चूजों का क्या करना है। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को मुझे दे दो। मुझे लड़कियों को मारने में बड़ा मजा आता है। तो लड़ी परिजुमा तुम बताओ तुम्हें मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए बहना। बहुत बड़ा कमीना है तू भाई। You are right। Hell? Toko? Toko? Just a first। Berry, Suma, क्या चल रहा है इधर? क्या क्या चल रहा है? यहाँ तो dance चल रहा है dance। हाँ, अभी तक मुझे ना करना था ये। Dance? Yeah, dance। Shut up! तूने इन्हें बांधा हुआ है? बांधने तो गवर्नमेंट वाली थी इन इंफिनिटी प्रिजन में। मैंने तो बचाया है इन्हें। पर देखो ना मुझसे कितनी नफरत करते। मैं चाहे कितना भी अच्छा बन जाऊं आखिरकार रहूंगा तो डेविल ही। तो छोड़ दो इन्हें। क्या? I mean of course, ओए डीमन छोड़ दो इन्हें। शुक्रिया ट्रेसा मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। कमीने साले। चल अब। सीगो डेगेरा बागा मागेरो बंजे 5 dozen सिंगरो। क्या? कुछ नहीं बोला। क्या बोला ये? जीगो डिगन को कहना Your death is coming in 5 days। देख लेंगे। जाओ और मार दो सालों को। Okay, so हमें मरने का ऑर्डर दे दिया है हेल ने। Oh yeah, अभी आएगा ना मजा। चल चले। ऐसे कैसे? हेल भाई साहब को एक गिफ्ट देना तो बनता है। Don't tell me कि तो वही डेंजरस वीक पॉइंट टेक्निक यूज करने वाली है। या वीक पॉइंट। हाँ? इधर। ये डीमंस भी ना खा के सांड बन गए पर किसी काम के नहीं। लगता है असैसिन्स को नौकरी पे रखना पड़ेगा। आ,
ओए काली चुड़ैल, चलो आजा। Let's start the bloody game. क्या? Teleport. या बंग। गेम ओवर। हो हो, तूने तो हमारी मदद कर दी काली चुड़ैल। मेरी गॉड लेवल स्वॉर्ड की बेइज्जती की तूने। गॉड? गॉड से याद आया कृष्णा। बांजुरी, सिंबल ऑफ पीस, अब ऐसी चीजों से हिंसा करनी पड़ रही है तुम जैसों की वजह से। बट कोई ना, भगवान ही कहते हैं शांति रखना जरूरी है, और शांति के लिए अगर लड़ना ही पड़ जाए देन डिस्ट्रॉय द डिस्ट्रक्टर। बहुत हो गया तुम्हारा कमीनो, अब तो तू गया। हेलो कंट्रोल रूम, समन वन लाइक ब्लडी असेक्शंस राइट हियर राइट नाउ। तू तो गया बेटा। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, क्या हुआ? हेलो, कॉल करने से क्या होता है पहले ये तो जान लेता कंट्रोल रूम में बैठा कौन है। ओ, इन सबको उड़ा कैसे रहे साल्टा? ग्लास से बनी हुई चीजों को कंट्रोल करना एरोब्राइन की खासियत है। वैसे शुक्रिया विजय, अगर तू ना होता तो असैसिन हमारा कचुंबर बना देते। ज्यादा खुश मत हो क्योंकि मेन विलन तो ऊपर बैठा है। कौन? ऊपर मत आना। ओ, आ गए तुम। नाइस नाइस। तू कौन है बे? इस नाचीज को लॉर्ड केस कहते हैं। ओ सॉरी, बट इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, कृपया दफा हो जाएं या तो मारे जाएं। क्या हो रहा है? सही कहा, टाइम तो नहीं है। ओए बेवड़े चाचा। बड़ों से बात करने की तमीज ना है तुझे लौंडे? नहीं नहीं लॉर्ड केस, उसे कुछ मत करना, वो एक कमजोर है। जंग में कोई कमजोर नहीं होता लौंडे। जाने दो मुझे। कमीने, भूल गया क्या? तुझे तेरे फैमिली के पास जाना है। उन्हीं के पास जा रहा हूँ मैं, वो मर चुके हैं। मैं आजाद होना चाहता था, इस प्रिजन से नहीं, इस जिंदगी से। रेस्ट इन पीस। वो तो गया, पर अब तुम्हारी बारी है लॉर्ड केस। हो गया तेरा, नाउ गेट लॉस्ट। गया कांड। ज़ाल्टा, आ जाए कि एग्जाम हो जाए।
यही एक चीज है जिसे खुशी में भी पीते हैं और गम में भी। चेकमेट, अब क्या करेगा तू और क्या करेंगे वो दोनों कदे? वो इन्फिनिटी प्रिजन से नहीं निकल पाएंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या तुझे पता? किंग, चेस में कुछ क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तेरा मतलब वो खुद निकलेंगे? 100%। हाँ, मैं फिर से मर गया क्या? अरे यार, इतनी भरी जवानी में लुढ़का दिया मेरे को, मैं अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। वो कैसे स्वर्ग में गया या नरक में? वैसे काम तो सारे नरक वाले ही किए थे। कहीं नहीं गया, अभी तो जिंदा है। तो फिर तू कौन है? कौन हूँ मैं? Well, celestial beast, celestial weapon, demon, devil, monster, न जाने क्या क्या कहते हैं लोग मुझे। क्या मतलब तू है? रीडागो। मुझे तो लगा कोई ड्रैगन व्रैगन होगा, तू तो इंसान निकला रे। इंसान नहीं हूँ बे, इंसान के शरीर में कैद हूँ। किसने कैद किया तुम्हें इधर? और कौन? कोबरा। तू इतना खतरनाक होके एक डेविल को नहीं हरा पाया? छे, आईफोन क्या करेगा जब बैटरी खराब है? मतलब मैं उतना ही पावर रिलीज कर सकता हूँ जितना तेरा बॉडी झेल सकता है। ओ, तो तुम्हें आजाद कैसे किया जा सकता है? मुझे वही आजाद कर सकता है जिसके अंदर रेसो का प्योर ब्लड हो। यानी मैं? तो चल एक डील करते हैं, मैं तुझे आजाद करूंगा अगर तू मुझे आजाद करेगा। डील। ये 2000 भूखे राक्षस तुझे कच्चा चपा जाएंगे। Give up? कभी नहीं। तेरे हाथ में जो ड्रैगन टेल लगी है, just use it। गया फिर से साला। अब ये क्या बवाल है? या दिस इज ड्रैगन टेल। एक मिनट, ये जगह अभी तक फटी क्यों नहीं? क्या असेशंस कहा है हम? इंफिनिटी प्रिजन में। ओ, दैट ब्लडी आइसबर्ग। बिटुआ भाग ले यहाँ से, इससे पहले कोई नीचे से आए। क्या भागूं? या इतना काफी नहीं है, तू मेरी टोटल पावर का भी यूज कर रहा है, सिर्फ 1%। इतना काफी है? तैयार हो जा लोंडे, तेरी मौत आ रही है। मेरी तो नहीं, पर तेरी जरूर आने वाली है। ओ, न्यू पावर। लॉर्ड गेज, ये लड़ाई खत्म करने का वक्त आ गया है। बस इतना ही। Now it's my turn. Here it comes, boy. Uh-huh.
बहुत ओवर पावरफुल है बुड्ढा। और तुझे क्या हो गया बे, तू कहाँ इतनी देर से बैठा है? तू इतना कमजोर तो नहीं कि तुझे एक इंजेक्शन रोक दे? तुझे लगता है कि एक सुई मुझे इतनी देर रोक पाएगी? मैं इंतजार कर रहा था सही वक्त का, और अब वक्त है उस ट्रम्प कार्ड का। दिस डे इज योर बॉय। बीस्ट मोड सेकंड फॉर्मेशन। My rage! एक जगह पर रुक जा बुड़ू। ड्रैगन टेल। बहुत तड़पा लिया तूने, अब लगा अपना पूरा दम और सामना कर दर्द का, बीस्ट का और अपनी मौत का। Damn it. You're gonna die. Damn it. Lord King! अबे क्या किया तूने, तूने तो पूरा जिंदा जला दिया उसे। चुप बे, हम दोनों में से आग किसके पास है? मेरे पास? मैं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके मार रहा था, पर तूने तो उसका अंतिम संस्कार ही कर दिया। शाबाश। खैर वो छोड़, ये बता यहाँ तक तो पहुंच गए, पर अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? हाँ, हेलीकॉप्टर। आओ गधेड़ो बैठो, चल साल्टा चले। शाबाश लॉन्डो, बहुत आगे जाओगे तुम, जिंदा रहना, हो सके तो फिर मिलेंगे। क्या हुआ यहाँ? अब घर में हीरो ब्राइन रखेगा तो बर्बादी तो होगी ही ना। ओ रियली? हीरो ब्राइन्स बिल्कुल टोप के जैसे होते हैं, जो बिना आग लगाए नहीं चलती। इज अ ब्लडी कैलन तो सच बोल। सही समझा तू, उस दूसरे लड़के ने ड्रैगन टेल का इस्तेमाल किया। भगवान से दुआ कर वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। तुझे चढ़ रही है क्या सारी बोतल घटनाली बिगड़े गई क्या? अब यहाँ मत चिल्ला, वो देख वो दूर नहीं गए, दम है तो जाकर पकड़ ले। या सही का पायलट हेलीकॉप्टर सुलू कर। सर पर वो रेडार के बाहर जा चुके, अब उन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएगा अब मैं। पर कैसे? ऐसे। अरे लग तेरी, वो आ गया। अब किससे पाला पड़ गया? अब पाला किसी डीमन, असैसिन, इंपीरियल या लॉर्ड से नहीं, अब पाला पड़ा है सीधा लेजेंड से। हेलीकॉप्टर घुमा। पागल आ गया क्या? जस्ट टर्न इट। बूम। बेटा कितना ही उड़ ले, बाप बाप होता है। क्या बैरी सुमा तुम? और नमूनो कैसे हो? तुम हेल के यहाँ से कैसे आए? भागकर, ऑफ कोर्स। वैसे हेल के यहाँ से निकलना ज्यादा मुश्किल था यार।
इंफिनिटी प्रिजन से, हेल के यहाँ से। इंफिनिटी प्रिजन नहीं, शायद हेल के यहाँ से। इंफिनिटी प्रिजन से। इस मुद्दे पे तो बहस बनती है, तुम ही बता दो गाइस कमेंट सेक्शन में। हाँ? क्या हो गया? शिट, किसी ने कार डैमेज कर दी। इस बुड्ढे की तो मैं रुक। अबे तू रुक, अगर उसे पता चल गया कि रीडागो तेरे पास है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं जाता हूँ। कैसा लग रहा है बेरन? आज इस दो कौड़ी के हेरोब्राइन ने तेरी पूरी प्रिजन की धजिया उड़ा के आज तेरे सामने आजाद खड़ा है। तू तो नंगा हो गया रे। हंसता जा, जब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा ना, तब देखेंगे तेरी हंसी। तू कुछ भी कर ले, लेकिन मेरा काम तो हो गया। ओए जाल्टा, बहुत हो गया। तो आ गया सारे फसाद की जड़। एक बार पूछूंगा तेरा नाम क्या लौंडे? BSG। तेरा असली नाम क्या? तेरा असली नाम नहीं बताना तो मर जा। ओ, मैं तेरे टूटे खोपड़ी की तथिया उड़ा दूंगा। ओए, इस बंदे की अपीयरेंस ही काफी है सबकी फाड़ने के लिए। He is living God after all. Mr. Biden Sindel, the boss of justice. What you want? The peace or the war? Peace. Right boy, खत्म कर दो सबको। All right boss, let's go bang. हाँ?